A very warm welcome to all the students of class 9 biology. Myself Shivani from St. Javier's High School, Sidwapar, Baralgarh. Today we are going to continue chapter 1, the fundamental unit of life, topic Golgi apparatus. So Golgi apparatus was identified by Italian physician Camillo Golgi in 1898. Golgi apparatus ko discover karne wale scientist ka naam kya hai? Camillo Golgi. और इन्हीं के नाम के ऊपर ही इस जो डिस्कवर्ड ऑर्गेनली का नाम गोल्गी अपैरेटस रख दिया गया. मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री के अंदर सामान मैन्युफैक्चर होता है. यानी कि जैसे सपोज कर लेते हैं कि एक टॉय बनाने की कंपनी है, तो वहां पे टॉय को बनाना और फिर वहां से जहां पे भी टॉयज वो टॉय को हमें बेचना है तो वहीं से उसको शिपिंग करना वहां से. तो यही जस्ट काम क्या होता है गोल्गी अपैरेटस का, यानी कि वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके और जिस सेल को उस चीज की जरूरत होती है वहां पे उसको ट्रांसपोर्ट करता है. फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. यानी कि प्लांट सेल में भी मिलेगा, एनिमल सेल में, बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा. मैन्युफैक्चर वेयर हाउस एंड शिप सेलुलर प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो गोल्गी अपैरेटस आप देखोगे तो जैसे न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कनेक्टेड था, उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक नीचे जो होता है गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट होता है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोटीन या लिपिड्स को वो फॉर्म करते हैं. तो वो प्रोटीन या लिपिड्स गोल्गी अपैरेटस के पास आते हैं, गोल्गी अपैरेटस उसको वेसाइकल में भर के और जिस सेल को उसकी जरूरत होती है वहां तक वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है या शिपिंग करता है. स्ट्रक्चर कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक ऑर्गेनली, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. और प्रोकैरियोट में क्यों प्रेजेंट नहीं है, इसका भी आंसर आई थिंक अब मिल गया होगा, क्योंकि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती है. ठीक है, सैक लाइक ऑर्गेनली, सैक मतलब क्या होता है, जैसे आपने बोरा देखा होगा वैसे बोरे जैसा ये ऑर्गेनली है. सेमी सर्कुलर स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नोन एज सिस्टर्नी. तो अगर आप देखोगे तो ऐसे ये सेमी सर्कुलर है, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, आधा ही है. आधा मतलब जैसे हाफ मून होता है वैसे सेमी सर्कल में प्रेजेंट है. और ये जो सेमी सर्कल, ये जो स्टैक्स हैं, इन स्टैक्स को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी. हैव स्पेशल एंजाइम्स विच मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन के गोल्गी अपैरेटस के अंदर एंटर करते हैं और गोल्गी अपैरेटस क्या करता है कि उनको मॉडिफाई करता है. यानी कोई भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना वो गोल्गी अपैरेटस के पास आएगा, गोल्गी अपैरेटस उसको मॉडिफाई करेगा और फिर मॉडिफाई करने के बाद ट्रांसपोर्ट भी करेगा जहां पे उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी उसके डेस्टिनेशन पर. वन एंड ऑफ द स्टैक इज नोन एज द सिस फेस, इट इज द रिसीविंग डिपार्टमेंट, व्हाइल द अदर एंड इज द ट्रांस फेस एंड इट इज द शिपिंग डिपार्टमेंट. गोल्गी अपैरेटस का ये जो ऊपर वाला साइड है इसको सिस फेस कहते हैं, सी आई एस सिस एफ ए सी ई फेस, ये होता है सिस फेस. और सिस फेस को ही क्या कहते हैं, रिसीविंग डिपार्टमेंट, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक नीचे होता है. तो सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो प्रोटीन या तो लिपिड जो भी वो फॉर्म कर रहा है वो बना के रिलीज किया उसने, वो गोल्गी अपैरेटस के अंदर एंटर करेगा. ठीक है, तो जो साइड गोल्गी अपैरेटस का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बनाए गए प्रोडक्ट को रिसीव करेगा वो कौन सा साइड होगा उसका, सिस फेस या रिसीविंग फेस. और जहां से वो अब क्या करेगा, इसके अंदर वो गोल्गी अपैरेटस के अंदर एंटर कर दिया गया. अब एंटर होने के बाद ये जो प्रोटीन, अगर सपोज कर लेते ये कोई प्रोटीन है, तो जैसे ही गोल्गी अपैरेटस के अंदर आया अब इसके ऊपर मॉडिफिकेशन शुरू होगा, इसका मॉडिफिकेशन होगा, वो चेंज होगा. चेंज होने के बाद इसको वेसाइकल में भरा जाएगा और वेसाइकल में भर के जहां पे भी इस प्रोटीन के रिक्वायरमेंट होगी उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा.
तो ये जो वाला फेस है जो शिपिंग करता है उसको कहते हैं ट्रांस फेस, और जो रिसीव करता है उसको कहते हैं सिस फेस। सिस फेस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस फेस का फेस किसके तरफ रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। व्हेन ईआर मेक्स प्रोटीन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स इज आल्सो मेड। तो हम लोग ने पढ़ा था कि हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है वो उसके साथ क्या बना देता है? एक ट्रांसपोर्ट वेसाइकल भी बना देता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वेसाइकल मतलब कि एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जैसे वो बनाएगा जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक है। अब प्रोटीन कहीं बन रहा है, किसी और सेल में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या करना है? शिपिंग करनी है या ट्रांसपोर्ट करना है? ट्रांसपोर्ट वेसाइकल ड्रिफ्ट थ्रू द साइटोप्लाज्म टू द गोल्गी अपैरेटस एंड फ्यूजेस विद द सिस फेस रिसीविंग फेस वेयर इट गेट एब्जॉर्ब। तो जैसे मान लेते हैं कि ये प्रोटीन जो है वो वेसाइकल में भर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया। अब साइटोप्लाज्म से स्विम करते हुए ये वेसाइकल कहाँ जाएगा? ये गोल्गी अपैरेटस के पास आएगा, और गोल्गी अपैरेटस का जो सिस फेस है वो रिसीविंग फेस, उसमें आके ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। फ्यूज होने के बाद ये मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा। आफ्टर द गोल्गी वर्क्स ऑन द मॉलिक्यूल इनसाइड द ट्रांस फेस डिस्पैसेस अ वेसाइकल इनटू द साइटोप्लाज्म व्हिच रिलीजेस द प्रोटीन मॉलिक्यूल आउट ऑफ द सेल। तो जैसे ही ये प्रोटीन जैसे हम लोग ने सपोज किया कि ये प्रोटीन है, तो जैसे ही ये प्रोटीन गोल्गी अपैरेटस के अंदर आया, अपैरेटस की जो मशीनरी है वो क्या करेगी? इसके मॉडिफिकेशन में लग जाएगी, और मॉडिफाई करने के बाद वो क्या करेगी? एक वेसाइकल में भर के इसको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगी, ठीक है। तो अब प्रोटीन जो है वो सेल से बाहर आ गया, अब इस प्रोटीन की जहां जरूरत होगी इस प्रोटीन की वो वहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है? मॉडिफाई शॉर्ट पैकेज एंड डिस्पैच ऑफ सेलुलर बायोकेमिकल्स सच एज पिगमेंट्स हॉर्मोन्स एंजाइम्स प्रोटीन एटसेट्रा फॉर सिक्रीशन पर्पस। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन करना, उसको शॉर्ट आउट करना, शॉर्ट आउट मतलब कि सिलेक्ट करना, फिर उसको पैकेज करना, उसको पैक करना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी में टॉयज कोई टॉय कार मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है। अगर कोई टॉय कार जो है वो डिफेक्टिव है, यानी कि कोई उसका पार्ट कायदे से असेंबल नहीं किया है, तो वो उसको क्या कर दिया जाएगा? छांट दिया जाएगा। छांटने के बाद जो सही पीसेस होंगे उसकी क्या की जाएगी? पैकेजिंग की जाएगी, और पैकेजिंग करके उसको क्या किया जाएगा? डिस्पैच किया जाएगा। जस्ट यही फंक्शन क्या करता है? गोल्गी अपैरेटस करता है। जो सेलुलर बायोकेमिकल्स होते हैं, चाहे वो पिगमेंट्स हो, हॉर्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, प्रोटीन्स हो, इन सबको क्या करता है? मॉडिफाई भी करेगा, सॉर्ट आउट भी करेगा, पैकेज करेगा और डिस्पैच करेगा इसके डेस्टिनेशन पे, यूज विद इन द सेल। यानी सेल के अंदर भी कई बार प्रोटीन्स का यूज होता है, सेल के बाहर पे भी। तो चाहे अंदर जरूरत हो या बाहर, जहां जरूरत होगी वहां गोल्गी अपैरेटस उस प्रोटीन को या उस पर्टिकुलर हार्मोन को या एंजाइम को भेज देगा। इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स रिफर्ड एज पोस्ट ऑफिस वेयर द मॉलिक्यूल्स आर पैकेज्ड लेबल्ड एंड सेल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन को, लिपिड भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब लिपिड बन के आता है तो उस लिपिड की भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस करता है। तो गोल्गी अपैरेटस को एक नाम दिया गया है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये पोस्ट ऑफिस की तरह एक्ट करता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में हम लोग क्या करते हैं, कोई लेटर लेके गए, उसके ऊपर क्या करेंगे? उसको एनवलप में डालते हैं लेटर को, उसके ऊपर अपना नाम लिखते हैं, जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखते हैं ना। फिर पोस्ट ऑफिस वो क्या करता है? वो चीजें डिस्पैच कर देता है, और वो चीजें जहां उसकी डेस्टिनेशन होती है वो भेज दी जाती हैं। तो गोल्गी अपैरेटस भी जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस की तरह एक्ट करता है। जो मॉलिक्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आते हैं उनको पैकेजिंग करना, उनकी लेबलिंग करना, और सेल के किस पार्ट को उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको वहां तक भेजना। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस एंड रिपेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इसके अलावा गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या है?
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में, और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी रीजन की वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल दोनों ही अगर डैमेज हो गए हैं, रप्चर हो गए हैं, तो उसके रिपेयर में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑर्गनली इज लाइजोजोम्स। ठीक है, लाइजोजोम क्या है? एक सिंपल ऑर्गनली है, टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्फीयर है यानी कि सर्कुलर होगा, छोटा है, ये भी कैसा है? सैक लाइक यानी एकदम बोरे जैसा ऑर्गनली है, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है। इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, अच्छे खासे अमाउंट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइजोसोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि जो प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय क्रिश्चियन डी टूव, ठीक है, इसको पहली बार देखने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? क्रिश्चियन डी टूव। फंक्शन क्या है लाइजोसोम्स का? डाइजेस्ट ऑल सेलुलर कंटेंट्स हु आर नोन एज डाइजेस्टिव बैग्स, सेल का जो कंटेंट होता है उसको ये डाइजेस्ट करता है, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बैग का नाम दिया गया है। रिमूव सेल डेब्रिस आर ऑल्सो नोन एज स्कैवेंजर्स आर सेलुलर हाउसकीपर्स। डेब्रिस मतलब क्या होता है? जो सेल के अंदर जो कूड़ा होता है, सेल का भी अपना कुछ कूड़ा होगा क्योंकि वहां पे भी बहुत सा काम होता है, तो जो सेलुलर डेब्रिस इकट्ठा होता है सेल में, ये उसको डाइजेस्ट काम करने का करता है, इसीलिए इसको स्कैवेंजर या सेलुलर हाउसकीपर भी कहते हैं। जैसे नॉर्मल हम लोग ने पढ़ा होगा कि स्कैवेंजर्स काम क्या करते हैं, जैसे क्रो हो गए या ईगल हो गए, ये सब जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये उनको उनके ऊपर ये फीड करते हैं। तो इसी तरह, तो फीड करने के बाद क्या होता है, अर्थ की सफाई में एक तरह से हेल्प करते हैं वो, जस्ट यही काम लाइजोसोम सेल के अंदर करता है स्कैवेंजर का। फॉर्म्स गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी कि सेल का जो भी गार्बेज होता है वो भी कहाँ पे आके इकट्ठा होता है? लाइजोसोम्स के अंदर। इन WBC और ल्यूकोसाइट्स, सेल्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स डाइजेस्ट फॉरेन प्रोटीन्स, बैक्टीरिया एंड वायरस। आप लोग RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में जानते होंगे, तो जो WBC होती है हमारी, वो वाइट ब्लड सेल्स, उसका काम क्या होता है? उसका फंक्शन होता है बॉडी का डिफेंस बनाना। तो डिफेंस बनाने के लिए वो क्या करती है? वो अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो वो फैगोसाइटोसिस के द्वारा उस फॉरेन पार्टिकल को कैप्चर करके और डाइजेस्ट कर लेती है। वही सेम फंक्शन लाइजोसोम्स भी करते हैं। ड्यूरिंग स्टार्वेशन द लाइजोसोम डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड कंटेंट्स सच एज प्रोटीन्स, फैट्स एंड ग्लाइकोजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड सप्लाई द नेसेसरी अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द सेल। अगर आप फास्ट रहते हैं, फास्ट मतलब कि व्रत रहते हैं, तो व्रत रहने पे लाइजोसोम्स क्या करता है, जो सेल के पास स्टोर किया हुआ फूड हो, चाहे वो प्रोटीन के फॉर्म में हो, चाहे फैट्स के फॉर्म में हो, चाहे ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो साइटोप्लाज्म के अंदर, ये उसको एज अ फूड यूज करना स्टार्ट करता है, और इससे यूज करने से जो एनर्जी जनरेट होती है वो सेल को भी सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइजोसोम का फंक्शन, ये सेल एक बार में पूरा नहीं देखेगा, स्टेप बाय स्टेप। तो सपोज करते हैं कि सेल के पास कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, तो सेल क्या करेगा, एक वेसाइकल बनाएगा, वेसाइकल बनाने के बाद बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, एनगल्फ करने के बाद क्या होगा कि ये क्या करेगा, अब एक वेसाइकल बना के बैक्टीरिया को पूरी तरह से कवर कर लेगा। ठीक है, अब कवर करने के बाद जो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को पूरा डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, और डाइजेस्ट करने के बाद जो यूजफुल प्रोडक्ट होंगे उसको सेल के अंदर ही रख लेगा, ठीक है, ताकि उसका दोबारा से डाइजेशन हो सके, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर वेस्ट होगा जो डाइजेस्ट करने के लायक नहीं होगा बैक्टीरिया के अंदर, उसको वेसाइकल बना के एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर एनवायरमेंट में फेंक देगा। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस से ठीक अटैच होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक नीचे गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होता है, उसका सिस फेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन को क्या किया, एक ट्रांसपोर्ट वेसाइकल में डाल दिया। अब ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल को रिसीव कौन करेगा, गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस रिसीव करेगा इस ट्रांसपोर्ट वेसाइकल को, मॉडिफिकेशन करेगा, सॉरी यहाँ पे है, गोल्गी अपैरेटस ने रिसीव किया इसको, प्रोटीन को, ठीक है, मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन करने के बाद जो डेस्टिनेशन पे जिसपे भेजना है उसको भेज देगा, जो सेल के काम की चीज है उसको सेल के अंदर रखेगा, जो काम की चीज नहीं है उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर भेज देगा। इसके अलावा ये क्या करता है, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई सेल का कोई ऑर्गेनली डैमेज होता है तो डैमेज ऑर्गेनली को भी ये लाइजोसोम्स क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया लाइजोसोम का फंक्शन। ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइजोसोम बर्स्ट एंड द एंजाइम्स ईट अप देयर ओन सेल्स। सो लाइजोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोफेजी या ऑटोफेगी भी बहुत लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, आपको जो सही लगे आप उसको बुलाइए, ऑटोफेजी या ऑटोफेगी। यानी कि अगर सेल स्ट्रक्चर के अंदर कोई ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, सेल का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, तो डैमेज होने के केस में जो लाइजोसोम होता है वो फट जाता है, और फटने के बाद उसके एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, वो सेल को ही खाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, और ये प्रोसेस को और क्या कहा जाता है, एक और नाम दिया जाता है, ऑटोफेजी। नेक्स्ट ऑर्गेनली इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग पहले भी जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब कि जितने भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एटीपी के फॉर्म में। ये एटीपी के फॉर्म में रिक्वायर्ड एनर्जी देने वाला ऑर्गेनली कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। फाउंड इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मेमेरियन आरबीसी एंड प्रोकैरियोट्स। आपको लगभग क्या सारे ही यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जरूर मिलेगा, एक्सेप्शन है क्या, मेमेलियन आरबीसी, यानी जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर और तीन दो तीन ऑर्गेनली और हैं जो नहीं पाई जाती हैं। एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया वो नहीं पाया जाता, प्लस न्यूक्लियस। इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में आरबीसी नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर स्ट्रक्चर, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा ऑर्गेनली है, मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, और सिंगल नहीं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर स्ट्रक्चर है। ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, अभी बताया इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास से जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी जनरेट का फॉर्म क्या होता है, एटीपी यानी कि एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रिचर्ड ऑल्टमैन इन 1890 एंड वॉज कॉल्ड एज बायो ब्लास्ट। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की को डिस्क्राइब किसने किया, वो साइंटिस्ट थे रिचर्ड ऑल्टमैन, उन्होंने 1890 में ही माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्क्राइब किया था, लेकिन तब वो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से नहीं बायोब्लास्ट के नाम से जानते थे। बेंडा इन 1897 कॉइन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया कौन दिया है, बेंडा, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रॉड शेप डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, इट हैज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। रॉड शेप में होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है, जिससे कि पहले भी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ चुके हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है।
आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल एंड इज स्मूथ एंड कवर्स द ऑर्गेनली। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल होने का मतलब कोई भी सब्सटेंस आउटर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ आ सकता है। और आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, स्मूथ है और पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को कवर किया हुआ है। इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्स नोन एज क्रिस्टी विच कंटेन्स द एटीपी प्रोड्यूसिंग पार्टिकल्स नोन एज F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर वाला मेम्ब्रेन है, अंदर वाला, वो फोल्डिंग में है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो फोल्ड है। और ये जो फोल्डिंग है उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। तो क्रिस्टी के पास क्या है, क्रिस्टी के पास ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको F1 पार्टिकल्स कहते हैं या ऑक्सीजोम्स कहते हैं, जो कि एटीपी को प्रोड्यूस करने वाले पार्टिकल्स होते हैं। क्रिस्टी इंक्रीज द अवेलेबल सरफेस एरिया टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। मेम्ब्रेन के फोल्डिंग के का काम क्या है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल स्मूथ है लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्ड है। तो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड होने का फायदा क्या है, यानी कि क्रिस्टी के प्रेजेंट होने का फायदा क्या है, क्रिस्टी के प्रेजेंट होने का फायदा ये है कि वो क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज क्या करता है, टूटता है, उसी से क्या होता है, एटीपी जनरेट होती है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन से कोई भी चीज इनर मेम्ब्रेन में आ सकती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के लिए, मैट्रिक्स में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सिलेक्टेड मॉलिक्यूल आ पाएंगे जिसे कि इनर मेम्ब्रेन अलाउ करेगा, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा, कुछ को नहीं करेगा। द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। द फ्लूड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स विच इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूड भरा हुआ है और उसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है, मिक्सचर है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, किसका, प्रोटीन्स का, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का, डीएनए का, आरएनए का, राइबोसोम्स का, लिपिड्स का। एक चीज और, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि नेम फ्यू ऑर्गेनेलीज विच हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री। यानी कि उन ऑर्गेनेलीज का नाम बताइए जो अपना डीएनए स्वयं बनाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनली हैं जो, इनके पास अपना डीएनए होता है, अपना प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनली को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम सो दे कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन एंड मेक देयर ओन प्रोटीन्स, हेंस आर रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, जिससे कि वो अपना रेप्लिकेशन करने का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेट मतलब कि एक से दूसरी कॉपी बनाना। ठीक है, तो वो अपने से रेप्लिकेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना प्रोटीन बना सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू ऑक्सीडेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक मतलब वो रेस्पिरेशन, वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एनोरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो ग्लूकोज क्या है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, जब ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है, तब उसके अंदर से ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ
एटीपी रेगुलेट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ऑक्सीडाइज फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग क्रेब साइकिल। तो ये क्रेब साइकिल अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, ये 10th 11th की चीजें हैं, ठीक है, इसके लिए अभी समझने की जरूरत नहीं। बस ये होता है कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो चाहे प्रोकैरियोट में चाहे यूकैरियोट में वो सेल के साइटोप्लाज्म में हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसके आगे का चीजें का ब्रेकडाउन क्या होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके होता है, ठीक है। तो क्रेब साइकिल होती है और भी साइकिल चलती है, ठीक है, जिससे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ऑलमोस्ट 38 एटीपी जो है वो जनरेट होती है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन क्रेब साइकिल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसीलिए ये कहां पे होगा, यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ। तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में रोज कई मिलियन ऑफ सेल बनते हैं, कई मिलियन ऑफ सेल्स जो पुराने हो जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो सेल के पैदा होने से लेके उसके मरने का एक स्टेप होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी सेल कैसे भी पैदा हो जाती है और कैसे भी मर जाती, नहीं, वो एक स्टेप के थ्रू, वो एक प्रोसेस के थ्रू बनती भी है और मरती भी है। तो सेल जब एक प्रोग्राम्ड तरीके से मरती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर वाला मेम्ब्रेन है और ये जो येलो कलर से दिख रहा है ये क्या है, उसका इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है, फ्रीली परमिएबल है, कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर आ सकता है, पर इनर मेम्ब्रेन में आने के बाद, इनर मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के लिए ये क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की परमिशन देगा, ठीक है। यही जो फ्लूड है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूड भरा हुआ है उसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में मिक्सचर है प्रेजेंट किसका, डीएनए का, राइबोसोम्स का, प्रोटीन का और भी बहुत सी चीजें, ठीक है। अब ये जो फोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन की, ये जो येल्लो से ये पूरा ये फोल्डिंग दिख रहा है, इसी फोल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी के पास क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, F0 F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोडक्टिविटी को क्या कहते हैं, इंक्रीज करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो गैप दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिड्स एंड पेरोक्सिसोम्स, देन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, एंड दिस चैप्टर फर्स्ट विल बी ओवर, देन वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 2, टिश्यू। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।